इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं MDH। नमस्कार, बिल्डर्स की बदमाश कंपनी में आपका स्वागत। मैं आपके साथ लक्ष्मी उपाध्याय। अपना घर बनाने का सपना सभी देखते हैं, लेकिन उन्हीं सपनों पर लुटेरे बिल्डर डाका डाल रहे हैं। तमाम संस्थाएं और प्राधिकरण सरकार ने बना रखे हैं, लेकिन फिर भी इंसाफ की उम्मीद धुंधली हो चली है। ऐसे में भारत समाचार आपकी आवाज बनेगा। हम आपकी आवाज सरकार तक पहुंचाएंगे। हम ऐसे लुटेरे बिल्डरों का पर्दाफाश कर आपको आगाह करेंगे। साथ ही जब तक जालसाज बिल्डरों का हम सफाया नहीं कर देते, हम आपकी मुहिम के साथ जुड़े रहेंगे। तो बने रहिए अगले आधे घंटे तक हमारे साथ, ताकि आपके साथ कोई बदमाश बिल्डर फ्रॉड न कर सके। नोएडा अथॉरिटी को बीते शुक्रवार को 15 बिल्डर प्रोजेक्टों की ऑडिट रिपोर्ट सौंप दी गई है। इस ऑडिट रिपोर्ट में क्या है, फिलहाल इसका अभी खुलासा नहीं हुआ है। अथॉरिटी का कहना है कि समीक्षा के बाद ही इस बारे में कुछ कहा जाएगा। बताते चले कि 14 बिल्डर प्रोजेक्टों की ऑडिट रिपोर्ट में फंड की गड़बड़ी का मामला सामने आने के बाद अथॉरिटी ने 37 दूसरे बिल्डर प्रोजेक्टों का ऑडिट शुरू कराया था। इन 37 प्रोजेक्टों के करीब 36,000 फ्लैट निर्माणाधीन हैं और इनमें से 15 बिल्डर प्रोजेक्ट की ऑडिट रिपोर्ट प्राधिकरण को संबंधित एजेंसी से सौंप दी गई है। सूत्रों की माने तो इसमें से कुछ प्रोजेक्ट से जुड़े बिल्डरों पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। ये रिपोर्ट देखें। नोएडा अथॉरिटी को बीते शुक्रवार को 15 बिल्डर प्रोजेक्ट की ऑडिट रिपोर्ट सौंप दी गई है। इस ऑडिट रिपोर्ट में क्या है, फिलहाल इसका खुलासा नहीं हुआ है। अथॉरिटी का कहना है कि समीक्षा के बाद ही इस बारे में कुछ कहा जाएगा। बता दें कि 14 बिल्डर प्रोजेक्ट की ऑडिट रिपोर्ट में फंड की गड़बड़ी का मामला सामने आने के बाद अथॉरिटी ने 37 दूसरे बिल्डर प्रोजेक्ट का ऑडिट शुरू कराया था। इन 37 प्रोजेक्ट में करीब 36,000 फ्लैट निर्माणाधीन हैं। इनमें से 15 बिल्डर प्रोजेक्ट की ऑडिट रिपोर्ट प्राधिकरण को संबंधित एजेंसी ने सौंप दी है। वहीं सूत्रों की माने तो इसमें से कुछ प्रोजेक्ट से जुड़े बिल्डरों पर सवाल उठाए गए हैं। इनमें से कुछ ने कम्प्लीशन सर्टिफिकेट के लिए आवेदन किया है। नोएडा अथॉरिटी को शुक्रवार को 15 बिल्डर प्रोजेक्ट की ऑडिट रिपोर्ट सौंप दी गई है। इस ऑडिट रिपोर्ट में क्या है, इसका भी खुलासा नहीं हुआ है। अथॉरिटी का कहना है कि समीक्षा के बाद ही इस बारे में कुछ कहा जाएगा। सूत्रों की माने तो इनमें से कुछ प्रोजेक्ट से जुड़े बिल्डरों पर सवाल उठाए गए हैं। इनमें से कुछ ने कम्प्लीशन सर्टिफिकेट के लिए आवेदन भी किया है। अब 15 और बिल्डरों की जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, ऑडिट रिपोर्ट है, वो प्राधिकरण को अब सौंप दी गई है उस एजेंसी के द्वारा, जिस जो एजेंसी इस पूरी ऑडिट रिपोर्ट को कर रही है। इसमें भी अरबों रुपए डाइवर्ट करने की बात सामने आई है। हालांकि अभी प्राधिकरण ने इस पूरे मामले का खुलासा नहीं किया है, क्योंकि अब तक 37 बिल्डरों की ये पूरी ऑडिट रिपोर्ट आ चुकी है प्राधिकरण के पास, जिसमें हजारों करोड़ रुपए डाइवर्ट किए गए हैं, विदेशों में लगाए गए हैं। जो प्रोजेक्ट का पैसा था लगाना चाहिए अपने प्रोजेक्ट में, बिल्डर ने उस पैसे को प्रोजेक्ट में न लगाकर अपने दूसरे कामकाजों के लिए इस्तेमाल किया है। हालांकि प्राथमिकता है प्राधिकरण की, सबसे पहले किसी तरीके से मकान दिलाए जाएं बायर्स को। तो देखना होगा कि जिस तरीके से ये बेईमान बिल्डरों ने इतना बड़ा फंड डाइवर्ट किया है, तो क्या सरकार और नोएडा विकास प्राधिकरण इन बेईमान बिल्डरों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कराती है, या फिर हमेशा की तरह इन पर मेहरबानी दिखाती है। कैमरा पर्सन अमित के साथ दानिश अजीज, भारत समाचार, नोएडा। संवाददाता दानिश इस बीच हमारे साथ लाइव जुड़े हैं नोएडा से। दानिश, ऑडिट रिपोर्ट अथॉरिटी के पास आ चुकी है 15 बिल्डर्स की, क्या कुछ उसमें देखने को मिला है, अब तक क्या जानकारी हो पाई है और क्या कुछ आगे कार्रवाई की प्रक्रिया? बिल्कुल, देखिए पहले भी ऑडिट रिपोर्ट्स जो आई थी बिल्डर की, उसमें हज़ारों करोड़ रुपए डाइवर्ट किए गए थे। वो पैसा जो है, जो प्रोजेक्ट में लगना चाहिए, वो पैसा प्रोजेक्टों में नहीं लगा था, वो पैसा विदेशों में डाइवर्ट किया गया था और वहाँ पे अपने अपने बिजनेस इन लोगों ने खोल लिए थे। अब 15 अन्य बिल्डरों की भी जो है जो ऑडिट रिपोर्ट है वो सामने आई है। हालांकि ये खुलासा नहीं हो पाया है कि अमाउंट कितना है जो डाइवर्ट किया गया है, लेकिन ये इशारों प्राधिकरण ने ज़रूर कह दिया है कि हाँ, इसमें करोड़ों रुपये डाइवर्ट किए गए हैं, जो प्रोजेक्ट का पैसा था वो दूसरे कामकाजों में लगाया
लगाया है बिल्डरों ने। हालांकि इससे पहले यमुना अथॉरिटी में भी इसी तरीके का केस सामने आया था, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में 400 करोड़ रुपए डाइवर्ट करने का मामला सामने आया था। इनके ऊपर जो मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जो मुकदमा और FIR दर्ज करानी चाहिए वो अभी तक कार्यवाही किसी भी प्राधिकरण ने नहीं करी। और यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है कि ये कहा गया है कि जो अन्य रिपोर्टें हैं जब वो रिपोर्ट सारी आ जाएंगी, क्योंकि अभी तकरीबन 37 और भी ऐसे बिल्डर हैं जिनकी रिपोर्टें आना बाकी हैं, ऑडिट रिपोर्ट जो इनकी हो रही हैं, तो जब वो रिपोर्ट आ जाएंगी उसकी समीक्षा करी जाएगी और उसके बाद ही कोई कार्यवाही करी जाएगी। तो लिहाजा ये कह सकते हैं कि प्राधिकरण को जो सख्त कदम उठाने चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है पूरा खुलासा हो चुका है कि हाँ इन बिल्डरों ने पैसे को डाइवर्ट किया है, ये बाकायदा क्रिमिनल ऑफेंस बनता है, इसमें जो है जाँच होनी चाहिए और इन बिल्डरों के खिलाफ वो कार्यवाही होनी चाहिए जैसे मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में होती है। लेकिन अभी तक कोई भी ऐसी कार्यवाही प्राधिकरणों की तरफ से नहीं करी गई है जिन बिल्डरों ने ऐसे फंड को डाइवर्ट किया, क्योंकि एक पूरी तरीके से लूटने का कारोबार जो है सालों से चलता रहा। तो अब एक उम्मीद बायर्स में जगी थी कि हाँ इन बिल्डरों के खिलाफ कार्यवाही होगी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत, लेकिन एक भी FIR अभी तक पिछले 2 महीने में एक भी FIR मनी लॉन्ड्रिंग के तहत नहीं लिखाई गई है। तो प्राधिकरण की जो अब 15 ऑडिट रिपोर्ट आई है 15 बिल्डरों के जिसमें 37,000 फ्लैट हैं, तो उन रिपोर्ट्स के बारे में प्राधिकरण कहना है कि हाँ जब सारी ऑडिट रिपोर्ट सामने आ जाएंगे, सारी बिल्डरों की ऑडिट रिपोर्ट सामने आ जाएंगे, तब जाकर इसकी समीक्षा बैठक करी जाएगी, समीक्षा करी जाएगी और उसके बाद कोई ना कोई कार्यवाही करी जाएगी। लेकिन सवाल प्राधिकरण पर यही उठता है कि आखिर इतनी मेहरबानी इन बेईमान बिल्डरों पर क्यों, 2000 करोड़ से ज्यादा जो है बिल्डर के ऊपर बकाया है प्राधिकरण का, उस पैसे को कैसे प्राधिकरण वसूलेगा, आज तक प्राधिकरण उसका जवाब नहीं दे पाया। पैसे में जब ये पैसा डाइवर्ट हो चुका था वो पैसा कैसे बिल्डर के पास बचेगा, क्योंकि ज्यादातर बिल्डर खुद को दिवालिया दिखा रहे हैं, चाहे वो JP हो चाहे आम्रपाली हो, सबसे बड़े बकायेदार प्राधिकरण के और बायर्स के यही दो बिल्डर हैं, तो ये लोग खुद को दिवालिया दिखा रहे हैं। ऐसे में अगर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत इनके ऊपर FIR नहीं कराई गई तो जो पैसा डाइवर्ट किया गया है वो पैसा वही के वही रहेगा और ना ही प्राधिकरण का पैसा वापस मिल सकता है और ना ही वो प्रोजेक्ट जिनका प्रोजेक्ट का पैसा डाइवर्ट किया गया था वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो पाएंगे और ना कभी उन बायर्स को परेशान मिल पाएगा। जी बिल्कुल दानिश, सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर बाकी 37 बिल्डर्स की रिपोर्ट आने तक इन 15 बिल्डर्स को सुरक्षित रखने के पीछे क्या वजह है? देखिए इससे ये बात किसी से छिपी नहीं है कि हमेशा प्राधिकरण ने बिल्डरों का साथ दिया है। अगर प्राधिकरण शुरुआत से ही 2007 से जब ये आवंटन प्राधिकरण ने शुरू किया था, शुरू किया था बिल्डरों को, रियल एस्टेट कंपनियों को, अगर उस वक्त से ही पालन किया जाता नियमों का तो शायद आज इतनी बड़ी समस्या बिल्डर नहीं बनते। बिल्डरों ने सिर्फ बायर्स को नहीं लूटा है, अरबों खरबों रुपए प्राधिकरण के जो है दबाए बैठे हुए हैं बिल्डर, इनको भी ठग चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक यारी जो शब्द है कि यारी निभ रहा है नोएडा विकास प्राधिकरण आज भी बिल्डरों के साथ, जबकि जब इस तरीके केस सामने आ चुका था तो तुरंत उनको डिफॉल्टर लिस्ट में डालना चाहिए और उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत FIR करनी चाहिए, लेकिन अभी तक कोई एक भी FIR बिल्डर खिलाफ नहीं करी गई, जिससे साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं आज भी एक दोस्ताना निभा रहा है नोएडा विकास प्राधिकरण और ये जो बेईमान और लुटेरे बिल्डर हैं उनको पूरी तरीके से साथ दे रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इनके ऊपर कार्यवाही नहीं होती इसीलिए इनके हौसले इतने ज्यादा बुलंद हो जाते हैं। लिहाजा हौसले बुलंद हो गए तो जाहिर सी बात है इनको कि प्राधिकरण कार्यवाही नहीं करेगा, तो आराम से ये नोएडा को लूटते रहते हैं, सरकार को लूटते रहते हैं। नई सरकार बनी थी तो एक उम्मीद ये जरूर जगी थी कि हाँ जिस तरीके से सरकार ने ऑडिट कराने के आदेश दिए हैं तो अब ये कार्यवाही होगी इन ईमान बिल्डरों के ऊपर, लेकिन लगातार चीजें सामने आ रही हैं, सबका साक्ष्य है, प्रमाण है, हर चीज प्राधिकरण के पास है, लेकिन उसके बावजूद भी प्राधिकरण इनके ऊपर कार्यवाही नहीं कर रहा, जिससे ये कहना गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं अभी भी मेहरबानी दिखा रहा है नोएडा विकास प्राधिकरण, यमुना प्राधिकरण और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण इन बेईमान बिल्डरों के ऊपर। जी दानिश, देखने को मिल रहा है कि कहीं बिना रजिस्ट्री के पोजीशन दिया जा रहा है, कहीं मनी लॉन्ड्रिंग का केस सामने आ रहा है, ऐसे में आखिर इतने सारे घालमेल के बावजूद भी इनके खिलाफ कोई कड़ा एक्शन न लेना कई बड़े सवाल खड़े करता है प्राधिकरण अथॉरिटी और प्रशासन पर भी। बिल्कुल सही कहा आपने रश्मि की, अभी तकरीबन 3700 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान सामने आया था, तो बिल्डरों ने बिना रजिस्ट्री करे पोजीशन दे दिया था, रजिस्ट्री नहीं करी थी अपने फ्लैटों की और बिना रजिस्ट्री करे पोजीशन दे दिया, जबकि जब रजिस्ट्री होती है तो उससे भारी भरकम रकम जो है उत्तर प्रदेश सरकार के अकाउंट में जाती है, खाते में जाती है। 3700 करोड़ रुपए पे इन लोगों ने घोटाला किया, इसमें FIR दर्ज हुई, तकरीबन 24 बिल्डरों के खिलाफ FIR दर्ज हुई, लेकिन एक भी बिल्डर के ऊपर आज तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई। हमने अभी हफ्ता भर पहले सुपरटेक केपटाउन की खबर दिखाई थी कि किस तरीके से यहाँ पर जो है हजारों करोड़ रुपए के वारे नारे किए गए
हैं, अभी तक एक भी बिल्डर के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं करी गई है, ना ही किसी को अरेस्ट किया गया है, ना ही किसी को हवालात तक का रास्ता दिखाया गया है। जाहिर सी बात है कि जब इन बिल्डरों के ऊपर कार्यवाही नहीं होती है तो इनके भी जो है हौसले बढ़ जाते हैं। प्रशासन ने FIR कराई थी, 66 जो ऑफेंस बनता है IPC धारा के तहत, 66C के तहत वो बाकायदा FIR दर्ज कराई थी, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की नीयत पे भी सवाल खड़ा हो जाता है। प्राधिकरण पहले से ही कहीं ना कहीं मिली भगत उसकी बिल्डरों से थी, तो अब प्रशासन भी यहाँ पर जो रुख अपना रहा है वो बहुत अच्छा रुख नहीं है। सिर्फ खानापूर्ति कागजों में हो जाती है कि हमने इतने बिल्डरों के खिलाफ FIR दर्ज करा दी सरकार को दिखाने के लिए, जो सुपरटेक बिल्डर है इसके खिलाफ भी FIR दर्ज है, लेकिन ना ही वो रजिस्ट्री करा रहा है और ना ही प्रशासन उसके खिलाफ कार्यवाही कर रहा है। इससे कहीं ना कहीं प्रशासन की जो मंशा है उस पर भी सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं। जी बिल्कुल दानिश, कई ऐसे बिल्डर हैं, चाहे हम आम्रपाली को ले लें, चाहे सुपरटेक को ले लें, इनकी जब बात होती है तो हम देखते हैं कि पूरी तरीके से अथॉरिटी हो, चाहे प्राधिकरण हो, चाहे प्रशासन हो, नतमस्तक हो जाते हैं। आखिर इसके पीछे की हम क्या वजह माने? देखिए, भ्रष्टाचार है सबसे बड़ी इसके पीछे की वजह। बहुत बड़े बड़े नेताओं के पैसे इन प्रोजेक्टों में लगे होते हैं, जो प्राधिकरण के अफसर हैं, किसी से छिपा नहीं है कि मोटी रकम बिल्डरों से ली जाती थी और आज भी ली जा रही है, क्योंकि अगर नहीं ली जा रही होती तो शायद इनके ऊपर इतनी मेहरबानी और इतना करम जो है प्राधिकरण न दिखा रहा होता। कोई ज़मीन आवंटित करी जाती है तो उसकी उसका बाकायदा फिक्स हो जाता है कि हाँ इस ज़मीन के बदले इतना पैसा मिलेगा। FIR बढ़ जाती है गैर कानूनी तरीके से, उसके बावजूद भी कार्यवाही नहीं करेगी। ग्रेटर नोएडा में भी देखने को मिला कि एक सुपरटेक जैसे बड़े बिल्डर ने, बेईमान भी है और बड़ा भी है, इसने एक FIR बढ़ा ली जिसमें 958 फ्लैट सीज कर दिए गए, जबकि वो फ्लैट बिक चुके थे, आम बायर्स का पैसा उसमें लगा हुआ है, लगातार वहाँ पर प्रदर्शन हो रहे हैं। तो ये सारी की सारी जो कारगुजारी होती है वो पैसे के बल पर होती है। बिल्डरों के पास अनाप शनाप पैसा है, क्योंकि बायर्स से उनकी जो खून की कमाई है वो बिल्डर उनसे ले चुके हैं, बैंकों का पैसा बिल्डरों के पास है, लिहाजा उस पैसे का इस्तेमाल वो पूरी तरीके से करते हैं। भ्रष्टाचार में लिप्त है नोएडा विकास प्राधिकरण, इससे कोई ये छिपी हुई बात नहीं है। तो पैसे के बल पर ये अधिकारियों को खरीद लेते हैं और उसी पैसे के बल पर जो है इस तरीके के जो है धंधे सामने आते हैं और इसी तरीके के जो है लूटपाट ये बिल्डर मचाते रहते हैं। जी बहुत शुक्रिया दानिश इस पूरी बातचीत के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। जब आम्रपाली बिल्डर की डकैत बने की बात आती है तो उसके आगे प्राधिकरण से लेकर प्रशासन सब नतमस्तक नजर आते हैं, जिसके बाद बायर्स ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अब जल्द ही इस बेईमान बिल्डर को इसके कर्मों की सजा मिलने वाली है, वो भी कोर्ट की ओर से। ये रिपोर्ट देखिए। चोर लुटेरों और डकैतों का आधुनिक अवतार देखना है तो चले जाइए नोएडा, जहाँ पैसे के भूखे अपनी भूख मिटाने के लिए आपकी जेब को नोचने के लिए तैयार बैठे। और एक बार आप उनकी बातों में आ गए तो कहीं से भी पैसों का इंतजाम कीजिए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ऐसा ही डकैतों का सरदार है आम्रपाली बिल्डर, जिसकी शातिराना चाल में 50% NCR के बायर्स फंस चुके हैं। इस आम्रपाली ने इन निवेशकों की जेब खाली करके रख दी है, लेकिन उसके बाद भी इसका लूट खसोट का काम जारी है। न ही प्राधिकरण कुछ बोल पा रहा था, न ही पुलिस कुछ कर पा रही थी, और प्रशासन, हाँ हाँ प्रशासन, वो तो पूरी तरह से नतमस्तक है। जिसके बाद बायर्स ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, क्योंकि जो जिम्मेदार थे वो तो इस बिल्डर के यहां अपना धर्म ईमान बेच चुके थे। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को गंभीरता से न केवल लिया बल्कि फटकार भी लगाई थी, क्योंकि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो यह हैवान आम्रपाली बिल्डर बायर्स को डराने धमकाने का काम करने लगा। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आज सुप्रीम कोर्ट के परामर्श रूम में बिल्डर्स और बायर्स के बीच मीटिंग हुई। ये मीटिंग 11 बजे से लेकर 2 बजे तक चली। इस मीटिंग में इस आम्रपाली बिल्डर के सताए करीब 200 बायर्स पहुंचे। इस मीटिंग में धूर्त और बेईमान आम्रपाली ग्रुप के मालिक भी शामिल हुए। मीटिंग में आम्रपाली के 15 प्रोजेक्ट को 3 हिस्सों में बांटा गया है, जिसके पहले हिस्से में उन फ्लैट्स को रखा गया है जो पूरे तो हो गए हैं लेकिन अभी भी उनमें बिजली, पानी और लिफ्ट जैसी सुविधाएं नहीं है। वहीं दूसरे हिस्से में उन फ्लैट्स को रखा गया है जिनका कंस्ट्रक्शन का काम एडवांस स्टेज पर है, और तीसरे हिस्से में ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनका काम अभी शुरू ही नहीं हुआ है।
इस मीटिंग में ये भी तय हुआ कि इस लुच्चे आम्रपाली बिल्डर के सभी प्रोजेक्ट्स के रविवार से लेकर गुरुवार तक वीडियोग्राफी की जाएगी, जिसके बाद एक कंप्लीट रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में 27 मार्च को पेश की जाएगी। यानी 18 मार्च से लेकर 22 मार्च तक आम्रपाली बिल्डर के सारे कुकर्मों की वीडियोग्राफी होगी। ये देखा जाएगा कि लूट की किस पराकाष्ठा पर बैठा है ये बिल्डर, और उसके बाद उस वीडियोग्राफी को 27 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जाएगा। यानी कि अब इस डकैत के दिन भर गए हैं और जल्द ही अब इसका गेम ओवर होने वाला है। लूट पर लूट करके जो रिकॉर्ड इसने बनाया था उसका पूरा कच्चा चिट्ठा सुप्रीम कोर्ट की टेबल पर होगा, और फिर जल्द ही ये जेल के अंदर, और सब कुछ ठीक ठाक रहा तो निवेशक अपने आशियानों में रहेंगे। दिल्ली से भारत समाचार के लिए अवैध उस्मानी की रिपोर्ट। संवाददाता आवेश उस्मानी इस बीच हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। आवेश, आम्रपाली का जो पाप का घड़ा लगातार भरता हुआ नजर आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई भी चल रही है, क्या कुछ रहा आज? जी देखिए, 15 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि जो आम्रपाली के बिल्डर्स हैं और जो बायर्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट के परामर्श रूम में एक मीटिंग बुलाए और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, आम्रपाली ग्रुप के कितने प्रोजेक्ट कम्प्लीट हुए हैं, कितने नहीं कम्प्लीट हुए हैं और कितना टाइम लगेगा उनको कम्प्लीट करने पे, इसके ऊपर पूरी डिटेल हो और दोनों तरफ से बयान दर्ज किए जाए, जिसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में मीटिंग हुई। लगभग 3 से 4 घंटे तक ये मीटिंग चली और 200 बायर्स आए जिन्होंने केस कर रखा है, और उसके अलावा जो आम्रपाली ग्रुप के जो मालिक हैं और अधिकारी हैं वो लोग भी इस मीटिंग में बैठे थे, और उसमें ML लाहोटी जो है जो इस केस को देख रहे हैं उनकी अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई थी, जिसमें ML लाहोटी ने ही ये सुझाव दिया कि आम्रपाली बिल्डर्स के 15 प्रोजेक्ट्स को 3 भागों में तकसीम कर दिया जाए। पहला भाग वो रखा जाए जिसमें आम्रपाली बिल्डर्स के जो फ्लैट्स हैं या प्रोजेक्ट्स हैं वो कंप्लीट होने के कगार पर हैं, लगभग कंप्लीट हो चुके हैं, मगर उनमें मूलभूत सुविधाएं जैसे बिजली, पानी या सीमेंट नहीं हुआ या लिफ्ट नहीं लगी, इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है उनको पहले उसमें रखा जाए। उसके बाद फिर एक दूसरा ग्रुप बनाया गया जिसमें कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट होने के कगार पर है, और तीसरा ऐसा जिसमें अभी तक कंस्ट्रक्शन के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ जमीनें पड़ी हैं या तो बाउंड्री वॉल करके छोड़ दिया है या अभी ठीक है। बहुत शुक्रिया आवेश पूरी बातचीत के लिए। और फिलहाल यहाँ वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे और कुछ खास खबरों के साथ। आप देखते रहिए भारत समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नोएडा के बेईमान बिल्डरों की बेईमानी की अनंत कथाएं हैं जो दिन प्रतिदिन सामने आ रही हैं, और इस लूट की अनंत कथा में सबसे बड़ा लुटेरा है नोएडा का सुपर टेक बिल्डर, जो कि पजेशन और मेंटेनेंस के नाम पर तो लूट कर ही रहा है। अब इसने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए पार्किंग घोटाला कर डाला है, वो भी अरबों रुपए का। देखिए रिपोर्ट। जरा गौर से देखिए इस सोसाइटी को, ये सेक्टर 74 स्थित सुपरटेक कैपटाउन सोसाइटी है। जब फ्लैट बेचे गए तो पार्किंग भी बेची गई। एक पार्किंग यानी एक कार की कीमत 4 लाख रुपए है। इस सोसाइटी में लगभग 5400 फ्लैट हैं और पार्किंग स्पेस है तकरीबन 3500 की। अब आप सोच रहे होंगे कि बाकी पार्किंग कहाँ गई, तो अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह इतने बड़े घोटाले को अंजाम दिया गया। दरअसल ओपन एरिया बिल्डर हमेशा रखरखाव के नाम पर रखता है, जिसका मेंटेनेंस चार्ज भी बायर से लिया जाता है। इसने उस ओपन एरिया को पार्किंग में तब्दील कर दिया और अब इस सोसाइटी में ओपन एरिया में लगभग 200 से अधिक कारें खड़ी होती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में साफ आदेश है कि ओपन एरिया में पार्किंग बिल्डर नहीं रख सकता, क्योंकि वो एरिया पेड़ पौधे और अन्य कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मुश्किल मैं समझता हूँ 3000 के आसपास का, उसके बाद अपर बेसमेंट और लोअर बेसमेंट मिलाकर है। ऊपर की पार्किंग बेचने का बिल्डर को राइट नहीं है, इसमें सुप्रीम कोर्ट के सीधे सीधे आदेश हैं। ऐसी स्थिति में ये हो रहा है कि जो लोअर बेसमेंट की हमारे यहाँ पार्किंग बनी हुई है वो आज तक तैयार नहीं है, OCCC बिल्डर को मिल चुका है, 34 टावर के पजेशन हो चुके हैं, लेकिन पार्किंग नीचे की तैयार नहीं है लोअर बेसमेंट की, जिसकी वजह से यहाँ आए दिन रेजिडेंट्स में आपस में वैचारिक युद्ध होता रहता है, कोई किसी की पार्किंग में गाड़ी लगाता है, कोई किसी की पार्किंग में गाड़ी लगाता है, ये एक समस्या हो गई है, बिल्डर उसका निराकरण कर नहीं पा रहा है। इस लुटेरे बिल्डर की सारी पार्किंग कवर है, लेकिन प्राधिकरण को धोखा देकर ये बेईमान बिल्डर
ओपन एरिया को पार्किंग में इस्तेमाल कर रहा है। एक फ्लैट मालिक से 4 लाख रुपए लिए गए तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा घोटाला इसने कर डाला है। आप खुद तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह मजे से लुटेरा ओपन एरिया में कारों की पार्किंग दे रहा है। इन गाड़ियों को कवर पार्किंग में होना चाहिए, लेकिन अभी ओपन एरिया की रौनक बढ़ा रही है। फ्लैट मालिकों ने कई बार प्राधिकरण से शिकायत भी की, लेकिन कुछ नहीं हुआ, जिसे साफ पता चलता है कि कहीं न कहीं बिल्डर की इस करतूत के पीछे प्राधिकरण का हाथ है। प्राधिकरण के अफसर इस बेईमान बिल्डर के साथ यारी निभा रहे हैं। प्राधिकरण जो है, जितनी अनुमति फ्लैट बनाने की देनी चाहिए उससे ज्यादा फ्लैट बनाने की अनुमति बिल्डरों को दे रहा है। जो पीपीएच बढ़ा करके जो है वो 1650 इन्होंने कर दिया है, जबकि अभी तक वो पारित नहीं हुआ है। सुपरटेक भी वो उन्हीं एक बिल्डर में से है, जहाँ पे इनको भी पीपीएच 1650 से ज़्यादा का इनको आवंटित हो चुका है। तो अब यहाँ पे आवश्यकता से अधिक इन्होंने फ्लैट बना दिए, उस हिसाब से अभी इनका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं है। जो पार्किंग है वो इनका पूरा तैयार नहीं है। लोगों को ये पजेशन दे रहे हैं, लोगों की रजिस्ट्री नहीं हुई है, इस कारण से लोग ओपन में भी गाड़ियां लगा रहे हैं। कुछ फ्लैट मालिक अब कोर्ट जाने की तैयारी भी कर रहे हैं। बिल्डर सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना जानता है, चाहे जैसे पैसा आए, चाहे लूट लाए या फिर घोटाला करके लाए, ऐसा ही कर रहा है सुपरटेक बिल्डर। सुपरटेक केपटाउन सेक्टर 74 में बसाया गया। यहाँ पर जो ओपन स्पेस होता है, जहाँ पर पार्किंग नहीं होनी चाहिए, वहाँ पर पार्किंग रख दी गई है। अब यहाँ के जो लोग हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के सीधे आदेश है कि ओपन एरिया में कोई भी पार्किंग नहीं होगी, पार्किंग कवर्ड होगी। लोगों को झांसा दे रहा है, आम बायर्स को झांसा दे रहा है, और आम बायर्स उस झांसे में फंस भी रहे हैं और यहाँ पर मकानात खरीद रहे हैं। जिस तरीके से लोगों को झांसा देकर पार्किंग को लेकर जो है विवाद अब यहाँ खड़ा हो रहा है, तो आने वाले वक्तों में जब ये पूरे फ्लैट बिक जाएंगे और लोग यहाँ पर आकर रहने लगेंगे, तो एक बहुत बड़ा मुद्दा खड़ा हो जाएगा पार्किंग का। तो देखना होगा कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के उल्लंघन जो है सुपरटेक कर रहा है और आम बायर्स को आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहा है, तो क्या ये अपनी करतूत से बाज आता है या फिर इसी तरीके से आदेशों की धज्जियां उड़ाता रहता है। कैमरा पर्सन अमित के साथ दानिश अजीज, भारत समाचार, नोएडा। अफसर सत्ता और माफिया का गठजोड़ कैसे हकदारों के हक पर डाका डालता है, इस खबर में देखिए। मेरठ में एसपी देशवाल नाम के इस जमीन माफिया ने पहले तो रिटायर्ड कर्मियों की जमीन पर कब्जा किया, फिर करोड़ की काली कमाई से प्रोफेशनल कॉलेज खड़े कर लिए। ये रिपोर्ट देखिए। पहले जमीन पर कब्जा, फिर करोड़ों का खेल। प्लाटों से आवंटी को हटाकर रिश्तेदारों को बेचा, काली कमाई से प्रोफेशनल कॉलेज खड़े किए। एक दिन में कई प्लॉटों को कॉलेज के नाम कर डाला। भू माफिया सत्य प्रकाश देशवाल का काला कारनामा। मेरठ के जिला प्रशासन को भले ही सरकार के आदेश पर जिले में भू माफिया नहीं मिलते, लेकिन इन भू माफियाओं के शिकार सैकड़ों लोग बरसों से आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इस भू माफिया का नाम है सत्य प्रकाश देशवाल। मेरठ में जमीनों पर कब्जा करके अपने रिश्तेदारों और नजदीकियों को बेचकर सैकड़ों करोड़ रुपए कमाने वाले सत्य प्रकाश देशवाल को भला कौन नहीं जानता। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी में तगड़ी धाक रखने वाले देशवाल ने 2004 में इंद्रप्रस्थ स्टेट सहकारी आवास समिति का प्रबंधन तंत्र अपने हाथ में लिया और प्रभात नगर के आरपीएस चौधरी को अध्यक्ष बनाकर खुद समिति का सचिव बन बैठा। रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों ने 1985 में सरकारी आवासीय समिति बनाकर जमीन खरीदी और आवास विकास से इसका लेआउट पास कराया था। इसमें निवेश कराने वाले कर्मी इस समिति के प्रबंधन में शामिल थे, मगर ताकत और दबंगई के बलबूते सत्य प्रकाश देशवाल ने असली समिति के सदस्यों को बाहर कर दिया और प्लाट पर कब्जा शुदा आवंटियों को लाठियों से हाँक कर जमीन कब्जा कर ली। ये मित्र थे, रिश्तेदार थे, अपने कॉन्टेक्ट वाले लोग थे, प्रभावशाली लोग थे, ताकि उन्हें देखा आगे उनके खिलाफ कोई लड़ ना पावे। ऐसे ऐसे लोगों को इन्होंने, मान लिया रेट तो है 10,000 के, तो उन्हें 8,000 रुपये में दे दिया। सोसाइटी में जमा करे कुल 300 रुपये का, तो ऊपर का जो पैसा था वो इनकी जेब में गया। प्लॉट भी कम से कम भी 300, 400, 500 गज के थे, जबकि कानून में ये था कि 200 गज से प्लॉट ऊपर नहीं बन सकता सर।
वो पूरे के पूरे इसने कॉलेज में मिला लिए, और 1600 गज जमीन 112 से आगे थी वो इन्हें जबरदस्ती मिला ली अपने कॉलेज में। ये सारे आरोप हम नहीं कह रहे, खुद आरपीएस चौधरी जो करने वाला था अपनी कलम से, उसने भी खुद लिख के दिया कि इन्होंने मेरे से ब्लैकमेल करके अनेकों गलत काम करे। इस मामले में शिकायत के बाद लंबी जांच के बाद सहकारी अधिकारी आवास की रिपोर्ट में पाया गया कि देशवाल ने असली आवंटियों से कब्जाए गए प्लॉट्स अपने रिश्तेदार, परिवार और अजीज नेताओं के नाम कर डाले। प्लॉट्स बेचकर मामूली रकम समिति के खाते में जमा कराई और सैकड़ों करोड़ का मोटा मुनाफा खुद डकार कर कमाई से प्रोफेशनल कॉलेज खड़े कर दिए। इस कॉलेज की जमीन से सटी समिति की करोड़ों रुपए की जमीन भी अवैध तरीके से कब्जा कर कॉलेज में मिला ली गई। अपने रिश्तेदारों के नाम किए गए करोड़ों रुपए के प्लॉट्स भी एक दिन में कॉलेज के नाम ट्रांसफर कर दिए गए। तफ्तीश में ये भी पता चला है कि देशवाल ने तत्कालीन नेता, विधायकों और उनके बीवी बच्चों को भी समिति का माल हराम का समझकर जमकर लुटाया। एमडीए से मिलके वो असली नक्शा हटा के एक फर्जी नक्शा वहाँ लगा दिया, सोसाइटी का फर्जी रजिस्ट्रेशन बनाया और भी बहुत सारे जाली काम करे, जाली दस्तावेज बनाए, एमडीए के नाम से भी काफ़ी दस्तावेज बनाए, तो उनका अपने हित में प्रयोग भी करा और ये संज्ञान में भी आया, लेकिन जांच वगैरह होती है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। वो जांच होके सालों तो जांच चलती है लेकिन जांच होके भी उस पर कार्रवाई नहीं होती और वो रख ली जाती है। इसमें कुल 5 आरोपी और कुछ आवास विकास के अन्य अधिकारीगण जो अज्ञात में है, आवास विकास की तरफ से अभियोग पंजीकृत कराया गया है और इसमें बाबूलाल गुप्ता भी मुलजिम है। जो अन्य मुलजिम हैं सबके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, विवेचनात्मक कार्रवाई चल रही है, साक्ष्य संकलन किया जा रहा है, साक्ष्य संकलन करके शीघ्र ही इनके गिरफ्तारी की जाएगी और आरोप पत्र प्रेषित किया जाएगा। इसी रसूख का असर था कि 2012 में आई जांच रिपोर्ट पर 3 साल तक केस दर्ज नहीं हुआ और 2015 में जब अदालत के आदेश पर केस दर्ज हुआ तो 3 साल बीत जाने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। मगर अब शिकंजा कसता जा रहा है। 2015 में दर्ज केस के मामले में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल हो चुकी है। इसके अलावा मेरठ कमिश्नर के आदेश पर जांच शुरू की गई। रिपोर्ट के आधार पर पल्लवरम थाने में दूसरा मुकदमा भी देशवाल और उसके साथियों के खिलाफ दर्ज हो चुका है। ₹300 करोड़ से ज्यादा के इस घोटाले में मेरठ विकास प्राधिकरण और आवास विकास के अफसरों ने भी अपने मुंह काले किए हैं। पहले से अप्रूव्ड लेआउट के बावजूद फर्जी समिति से मिली भगत करके दूसरा एक लेआउट अप्रूव्ड कराया गया और इस तरीके से आवंटियों को हकों पर दिन दहाड़े डाका डाल दिया गया। आवंटी अब उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब देशवाल एंड कंपनी जेल की सलाखों के पीछे होगी और उनके साथ खड़े होंगे भ्रष्टाचार करने वाले अफसर। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।